हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जो वोट पड़े थे कल उनके नतीजे आने वाले हैं। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, कौन आरोप लगाएगी, किसे कम विधायक मिलेंगे, किसे ज़्यादा विधायक मिलेंगे, कोई गठजोड़ होगा या नहीं होगा आदि आदि, ये सब कल शाम को पता चलेगा जब रिजल्ट पूरे सामने आ जाएंगे। पर आज मेरे दिमाग में ये सवाल नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। सवाल ये है कि जब वोट पड़े थे उस समय मैं महाराष्ट्र में था, चुनाव देखने के लिए आया था, और जो हरियाणा में भी दोस्त थे वो सब एक ही बात कह रहे थे कि वोटिंग परसेंट कम है। वोटिंग परसेंट कम इसलिए है, यानी 51 से ज़्यादा नहीं है कुल मिला के। वोटिंग परसेंट इसलिए कम है क्योंकि लोगों का भरोसा चुनाव की पद्धति के ऊपर थोड़ा डगमगा गया है। उन्हें लगता है कि वोट किसी को भी दो, वोट जाएगा तो उन्हीं के पास। इस भावना ने, और ये भावना बहुत तेज़ी से फैली हुई, इस भावना ने लोगों को वो उत्साह उनका ख़त्म कर दिया जिसमें पोलिंग बूथ पे जाने के लिए एक भीड़ रहती थी। शुरुआत ओल्ड सिटीजन्स ने की, जो पुराने बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, खाली बैठते हैं और वो इसको एक उत्सव की तरह या वक्त को दुनिया को देखने के लिए करते हैं, वो सबसे पहले वोट डालने पहुँचे। लेकिन वोट पड़ने के अगले दिन से जो एग्ज़िट पोल आए, उन एग्ज़िट पोल में ये दिखाया गया कि सबसे बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और दूसरी पार्टियां हार जाएंगी, वही उससे ज़्यादा रिज़ल्ट दोहराया जाएगा और वो जो जीतेंगे वो एक ही पार्टी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। ये एग्ज़िट पोल में रिज़ल्ट आया। टेलीविज़न चैनल ने भी इसी खबर को बार बार दोहराया क्योंकि हर टेलीविज़न चैनल ने एक कंपनी के साथ मिलकर के एग्ज़िट पोल कराया था और उसमें फिर किसी ने कुछ नंबर दिए, किसी ने उसे दो ज़्यादा दिए, किसी ने उसे तीन कम दिए, सब लोग बुरी तरह से जिता रहे थे। अब अचानक आज एक नई स्थिति पैदा हो गई। आज सवेरे से पहले स्क्रॉल चलता है जिसे मैं पट्टी कहता हूँ, उस पट्टी पर ये खबरें आने लगीं कि इसमें भारतीय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लॉस हो सकता है। मैं चौंका, क्यों बड़ा लॉस हो सकता है? यही पत्रकार थे, यही सर्वे एजेंसीज थीं और इन्होंने ही हरियाणा में बम्पर जीत का वायदा किया था, अनुमान किया था, आकलन किया था। और आज यानी 24 घंटे बीत गए उसके बाद अचानक खबरें आने लगीं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है और कांग्रेस को सीटें ज़्यादा मिल सकती हैं। साथ ही JJP जो चौटाला परिवार से टूटी हुई पार्टी है, ओम प्रकाश चौटाला जी के जो बड़े बेटे हैं अजय चौटाला, उनके पुत्रों ने जो पार्टी बनाई है, दुष्यंत चौटाला ने, दिग्विजय चौटाला ने, वो पार्टी 8 से 10 सीटें ले सकती है। इसका मतलब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला करेंगे। नई उम्र के लड़के हैं, हालांकि पार्टी में पार्टी की तरफ से वो पुरानी पार्टी की तरफ से संसद के सदस्य रहे हैं। दुष्यंत चौटाला बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। अब कांग्रेस सरकार बनाती है या BJP बनाती है, इसमें इनका बड़ा रोल हो जाएगा। पर ये बातें अचानक आज क्यों आने लगीं? इसका मतलब कि पूरे चुनाव के दौरान या वोटिंग के दिन जिस तरह का माहौल बनाना था ताकि लोग एक पार्टी विशेष को वोट दें, क्या उसमें मीडिया के लोगों का भी कोई गठजोड़ था, उनका भी कोई इसमें हाथ था इस माहौल को बनाने में? और वो माहौल सच्चा नहीं था। सच्चाई एक अलग चीज़ है। अब चूंकि कल वोटिंग का रिज़ल्ट आने वाला है, लोग चुनेंगे और चुन करके ये समझेंगे कि
कि कौन सरकार बनेगी, तब शायद अपनी साख बचाने के लिए कुछ चैनल्स ने उस सच्चाई को दिखाना शुरू कर दिया, अगर ये सच्चाई है तो। लेकिन इसके बावजूद एक बात कहूँ, मैंने आज फिर लोगों से बातचीत की, वो लोग ये कह रहे हैं रिज़ल्ट वही होगा जो हम अंदाज़ा कर रहे हैं। यानी हमने तो वोट किसी पार्टी को नहीं दिया है, हमने वोट ईवीएम को दिया है। अब ईवीएम का मूड जिसके पास जिसकी तरफ होगा वो जीतेगा, वोट उसी को मिलेगा। हमने पूछा कि किसको मिलेगा, उनका कि एक ही को जिसकी तरफ पक्ष में ईवीएम जाती है। अब ये वाक्य या ये लोगों का रुख बहुत डराता है। ये रुख बताता है कि लोगों का विश्वास हमारे इस्टेब्लिशमेंट के उस हिस्से पर से उठ गया है जो चुनाव कराता है। और लोकतंत्र में चुनाव कराने का मतलब बहुत एक गीता, बाइबल, कुरान जैसी चीज़ क्रिएट करना होता है। अब लोगों का अगर अपने धर्म ग्रंथों पर से ही विश्वास उठ जाए, यानी लोकतंत्र की जो बाइबल, गीता और कुरान है, इलेक्शन कमीशन, सरकार, उसी पर से विश्वास उठ जाए तो क्या कहें? क्या हम ये माने कि लोग एक ऐसे स्थिति की तरफ अपना दिमाग लगा रहे हैं जो अराजक स्थिति हो सकती है? क्योंकि लोगों का ये कहना खतरे का संकेत है कि हम वोट चाहे जिसे देंगे, ईवीएम जिसकी तरफ जाएगी वही जीतेगा। तो इसका एक तो अर्थ बड़ा अच्छा है कि ईवीएम में वोट डाला, फेयर रिजल्ट आएगा, पर लोग फेयर रिजल्ट नहीं कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं ईवीएम में हम कोई भी बटन दबाएं, वो बटन एक ही चुनाव चिन्ह की तरफ जा कर के जलता है, चाहे किसी को भी वोट दो। और इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के महत्वपूर्ण मंत्री और विधायक जो इस चुनाव में लड़े, उन्होंने साफ साफ कहा आप ईवीएम हमारे साथ हैं, आप रिजल्ट देखिए क्या होता है। उनकी अगर बात माने तो उन्हें 100% बहुमत मिलने वाला है। लेकिन जब विधायक, जब मंत्री ये वादा करें कि ईवीएम की वजह से हम जीतने वाले हैं, तो डर लगता है। डर लगता है लोकतंत्र के भविष्य को लेकर के, डर लगता है लोकतंत्र के सिद्धांत को लेकर के। एक फेसबुक के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर एक जोक चला, कक्षा थी, उसमें बाल नरेंद्र थे और बाल नरेंद्र बातचीत कर रहे थे। पूछा उन्होंने कि तुमने क्या खाया, उन्होंने कहा कि मैंने मुर्गी का अंडा नहीं खाया, मैंने बकरी का अंडा खाया। फिर सुनिए, ये जोक है जो चला है पूरे देश में, कि बाल नरेंद्र कह रहे हैं अपने शिक्षक से के सवाल के जवाब में कि मैंने बकरी का अंडा खाया। शिक्षक नाराज हो गया, कहें पागल हो गए हो, खड़े जाओ, बेंच पे खड़ा कर दिया। बकरी के कहीं अंडा होता है? उसने कहा हाँ होता है, मैंने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रख दिया है। आपसे मतलब, मैं उसका नाम कुछ भी रखूँ, मैंने उसका बकरी नाम रख दिया, तो मैं बकरी का अंडा खा के आ रहा हूँ। इस तरीके के जोक्स आज की स्थिति के ऊपर एक अजीब तरह का असर डालते हैं जब हम पढ़ते हैं। इसका मतलब लोग कहाँ कहाँ कल्पनाएं करने लगे हैं। इसका मतलब उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर से उठ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उठ रहा है, उन कामों के ऊपर से उठ रहा है जिनके वादे हुए। और अब तो जिस तरह की अर्थव्यवस्था है और जितना लोग बैंकों से डरने लगे हैं, आज मैंने एक चीज़ और पढ़ी कि किसी ने कुछ कहा तो लोगों ने कहा कि आप 2000 रुपये के नोट बंद होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कौन बैंक कब बंद हो जाए, ये स्थिति आ गई है। अर्थव्यवस्था की को चलाने की जिम्मेदारी जिस संस्था पर है, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है। लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक से। ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। चुनाव हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, पर ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इस व्यवस्था के ऊपर, बैंकिंग व्यवस्था के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का विश्वास बहाल करें। देखते हैं कल चुनाव में क्या निकलता है, ईवीएम मशीन किसके ऊपर कृपा करती है। लाउड टीवी इंडिया के लिए मैं संतोष भारती।